नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रजापति गेमिंग चैनल पर। दोस्तों, अगर आप विकर्णी मैप खेलते हैं तो आज मैं आपके लिए विकर्णी मैप का 5 बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक को यूज करने के बाद आप गायब हो सकते हैं। अगर आप किसी पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो आप पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। आप किसी भी एनिमी का बहुत ही आसानी से किल कर सकते हैं और वह बंदा आपको देख भी नहीं पाएगा आप कहाँ पे हो। अगर दोस्तों आप किसी घर पर चढ़ना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही कमाल का तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप कहीं छुपना चाहते हैं आप छुप सकते हैं, आपको कोई बंदा देख भी नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से एनिमी का किल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें सब कैसे करेंगे यार, क्या क्या ट्रिक है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप पबजी लवर हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप शेयर वाली बटन पे क्लिक करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और दोस्तों आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद में घंटी को दबा के ऑन कर देना है ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप देख पाएं। और दोस्तों आपको नीचे आना है, इसके कमेंट सेक्शन में आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है पबजी मोबाइल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप विकर्णी मैप के कोड माइल लोकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे एक टावर है जिसपे आप चढ़ के एनिमी का बहुत ही आसानी से किल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इस पे किस तरह से चढ़ना है, लेकिन दोस्तों इस पे चढ़ना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टावर की एक साइड में आना है जैसा कि मैं आ गया हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो टावर का लोकन है स्लोप में है, तो आपको इस पे चढ़ जाना है, आपको सीधे होके चढ़ जाना है, आपको लेफ्ट राइट नहीं जाना है, बस आपको सीधे चढ़ते जाना है। वाओ, आप देख सकते हैं कि मैं चढ़ रहा हूँ। अब दोस्तों आपको लास्ट में जाके सिर्फ यहाँ पे एक जंप करना है, उसके बाद में आप टावर के ऊपर आ जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ से किसी भी एनिमी का किल कर सकते हैं। अगर एनिमी नीचे है तो वह परेशान हो जाएगा, बोलेगा अरे यार ये कैसे ऊपर चढ़ गया है, वह आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा और आप एनिमी का किल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर दोस्तों लास्ट का सर्कल यहाँ पे बनता है तो चिकन डिनर आपका पक्का। नंबर 4 दोस्तों, ये जो ट्रिक है विकेंडी मैप के कॉस्मोड्रोम लोकेशन पे है, आपको यहाँ पे एक बड़ा सा घर मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप इस घर के छत पे जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे, इस पे कोई भी सीढ़ी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके दीवार के पास जाएंगे, थोड़ा सा जंप करेंगे तो आप नीचे की साइड में चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जंप करेंगे आप नीचे की साइड में पानी में चले जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको दीवार की साइड में आ जाना है। ठीक है, दीवार के साइड में आके आपको एक बार जंप करना है। जंप करने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में तैरना है, आपको नीचे की साइड में थोड़ा सा तैरना है। जैसे आप तैरेंगे आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर की साइड में आ चुका हूँ, जो घर है घर के छत पर आ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं किसी भी एनिमी का किल बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। अगर दोस्तों लास्ट सर्कल यहाँ पे बनता है तो चिकन डिनर आपका पक्का है। अगर आप इस ट्रिक को जानते हैं तो चिकन डिनर आपका पक्का है। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। नंबर 3 दोस्तों, ये कोई ग्लिच नहीं है बल्कि एक ट्रिक है, पबजी का ट्रिक है और ये ट्रिक सभी मैप में काम करेगा, एरेंगल, विकेंडी, सैनॉक सभी मैप में काम करेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ इस तरह से पेड़ दिखता है तो आपको क्या करना है, आपको जीप लेके आना है। ठीक है, आपको एक जीप लेके आना है, जीप को आपको पेड़ की साइड में लेके जाना है, बैक करके पेड़ की साइड में लेके जाना है। उसके बाद में आपको जीप को पेड़ में कुछ इस तरह से सटा देना है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको दूर जाना है, जीप के सामने की साइड में दूर जाना है। उसके बाद में आपको दौड़ के आना है। ठीक है, दौड़ के आगे की साइड में आना है, आपको जंप करना है, उसके बाद में आप जीप पे चढ़ जाएंगे। जीप पे चढ़ने के बाद में आप पेड़ पे बहुत ही आसानी से चढ़ सकते हैं। और दोस्तों पेड़ पे चढ़ने के बाद आप किसी भी एनिमी का किल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई देख भी नहीं पाएगा। तो ये भी काफी कमाल का ट्रिक है। नंबर 2 दोस्तों, जो ट्रिक है विकर्णी मैप के कॉस्मोड्रोम लोकेशन पर काम करता है। आपको यहाँ पे एक बंकर सा दिख जाएगा, अंदर की साइड में आपको एक बंकर सा दिख जाएगा। ये जो जगह है गुफा की तरह दिखती है, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सीक्रेट कमरा है। अगर आप उसके अंदर जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन दोस्तों इसका भी एक ग्लिच कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, जो भी आप बोल लीजिए, एक ट्रिक है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा राइट साइड में जाना है। राइट साइड में जाने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर आप जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे।
आप देख सकते हैं, आप लाख भी कोशिश करेंगे आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप सो के जाएंगे, उठ के जाएंगे, बैठ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, फिर भी आप नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ में ग्रेनेड लेना है, उसके बाद में उसको लो टॉस्क में धीरे से आगे फेंकना है और आपको लेफ्ट साइड में जाना है। बूम, दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं अंदर आ चुका हूँ। अब दोस्तों अगर लास्ट का सर्कल यहाँ पे बनता है तो चिकन डिनर आपका पक्का है। दोस्तों आप इससे बाहर भी जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आपको राइट साइड में ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे जाना, उसके बाद में आपको थोड़ा सा राइट स्वाइप करना है, आपको राइट में जाना है। जैसे आप राइट में जाएंगे, बूम, आप देख सकते हैं आप बाहर आ चुके हैं, यानी मैं बाहर आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये भी ग्लिच काफ़ी कमाल की, अगर लास्ट सर्कल यहाँ पे बनता है तो आप चिकन डिनर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमी भी आते हैं लूट करने के लिए, तो आप उनको मार के उनका लूट ले सकते हैं, तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। नंबर वन दोस्तों जो ट्रिक है, विकेंडी मैप के सभी लोकेशन में काम करेगा। आप इस ट्रिक की मदद से गायब हो सकते हैं और आप एनिमी का किल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इस ट्रिक का यूज मैं अक्सर करता हूँ और मैं सफल भी रहता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी घास है, आपको इस घास में जाके छुप जाना है। अगर आप छुप जाते हैं, अगर आप सो भी जाते हैं, तो कोई भी बंदा आपको देख नहीं पाएगा, आपके अगल बगल से गुजर जाएगा लेकिन आपको देख नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो घास है ना काफ़ी बड़ी बड़ी है। तो अगर आप इसमें छुप जाते हैं, सो जाते हैं, तो कोई भी आपको देख नहीं पाएगा। ये जो घास है आपको सारे जगह मिल जाएगी, ठीक है, सारे जगह मिल जाएगी। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर आप इसमें छुप के किसी को मारेंगे तो वो बंदा देख भी नहीं पाएगा, किसी भी एनिमी का किल कर सकते हैं और आप चिकन डिनर कर सकते हैं। दोस्तों आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आप इसमें छुप जाते हैं तो कोई भी बंदा आपको ढूंढ नहीं पाएगा। अगर ढूंढेगा तो पत्थर की साइड में देखेगा, घर में देखेगा, स्कोप से घास में नहीं देखेगा, 100% गारंटी के साथ में घास में नहीं देखेगा, और आप उसका किल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक है लेकिन बहुत ही जबरदस्त भी है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए इन पांचों ट्रिक में से आपको कौन सा ट्रिक पसंद आया, 1, 2, 3, 4, 5 प्लीज कमेंट करके बता देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी समझ में आता है लेकिन कर देना यार। और हाँ दोस्तों, आपने मेरे वीडियो के लिए इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।